दोस्तों ये है एक मिडिल क्लास इंजीनियर की कहानी जो कि इंजीनियरिंग करना चाहता है और एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है राहुल शर्मा फ्रॉम द यूपी गाजियाबाद। दोस्तों राहुल जाता है कोटा तैयारी करने के लिए जेईई मेन एग्जाम की, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो राहुल जो है कोटा के अंदर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। राहुल के एग्जाम खत्म हो जाते हैं, राहुल का जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन राहुल का सिलेक्शन आईआईटी और एनआईटी के अंदर नहीं हुआ है। अब राहुल के पेरेंट्स राहुल से चाहते हैं कि राहुल किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ले। तो राहुल ने किसी एक्स वाई जेड लल्लू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इन द यूपी, एडमिशन है लल्लू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज में यूपी में ले लिया दोस्तों। तो राहुल अभी यूपी के अंदर फर्स्ट सेम की पढ़ाई कर रहा है। अब राहुल ने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। राहुल का आज है पहला दिन। राहुल आज कॉलेज में गया है। राहुल की जो इंजीनियरिंग है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राहुल आज क्लास में जाता है, राहुल को देखने को मिलता है कि राहुल की क्लास में कोई भी लड़कियों ने एडमिशन नहीं दिया। राहुल की क्लास में सारे के सारे लड़के ही देखने को मिलता है, जिसके कारण राहुल बहुत ही ज्यादा उदास है, क्योंकि राहुल का रिलेशन मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राहुल की क्लास में बहुत सारे लड़के ही इंजीनियर बनना चाहते हैं। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका, राहुल ने भी सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया। अभी फिर से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर राहुल ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। राहुल के 8 CGPA आ चुके हैं। राहुल ने सेकेंड सेमेस्टर की फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं राहुल फिर से सेकेंड सेम में पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। राहुल के फिर से 8 CGPA आ जाते हैं दोस्तों। राहुल फिर से थर्ड सेम में होता है, वही अच्छे CGPA आ रहे हैं, लेकिन राहुल पढ़ाई सिर्फ क्लास में कर रहा है। राहुल के प्रैक्टिकल जो है सिर्फ राहुल लैब के अंदर जाते हैं, टीचर उसके साथ जाते हैं, लेकिन उनको मशीनें चलानी नहीं सिखाई जाती। उनको कुछ ही मशीनें जो कि कई पुरानी सालों से पड़ी हुई है, बहुत सारे मशीनें खराब है, और कुछ ही मशीनें जैसे कि राहुल को वेल्डिंग सिखाया जा रहा है, राहुल को जो है कटर मशीन चलाया जा रहा है, राहुल को जो है रन्ना कैसे किया जाता है ये सिखाया जा रहा है, कैसे काटा जाता है ये सिखाया जा रहा है। लेकिन राहुल के इस कॉलेज के अंदर कोई भी CNC CTC कंप्यूटराइज मशीन कुछ भी नहीं, क्योंकि राहुल एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, जिसका नाम लल्लू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि यूपी के अंदर है। ओके सो राहुल के जो फीस है वो है 5 लाख एवरेज फीस। ओके सो राहुल जो है अभी फोर्थ सेम के अंदर है। दोस्तों राहुल ने एक छोटी सी कॉलेज वालों ने कहा है कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो राहुल किसी भी वेबसाइट पे जाके ₹1000 का कोर्स लेके ट्रेनिंग कर चुका है राहुल। राहुल ने अभी अपना सर्टिफिकेट कॉलेज के पास सबमिट भी कर दिया, लेकिन राहुल अभी भी सिंगल है, जिसके कारण राहुल बहुत ही ज्यादा परेशान है। राहुल फिर से फिफ्थ सेम के अंदर आ चुका है, लेकिन फिर से वही समस्या, कॉलेज के पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है, कॉलेज के पास लैब नहीं है। राहुल को सबसे बड़ी समस्या ये फेस करनी पड़ती है कि राहुल के क्लास में किसी की अगर सप्ली आ जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहुल के कॉलेज के अंदर ऐसा होता है कि परमानेंट फैकल्टी नहीं है। उसके डायरेक्टर को छोड़ के, उसको HOD को छोड़ के, और कुछ स्टाफ को छोड़ के, और जितने भी हर साल जो टीचर आते हैं वो सारे के सारे नए टीचर आते हैं, क्योंकि राहुल का कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और उस कॉलेज का ये मानना है कि वो जो टीचर रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बेसिस पे रखते हैं। लेक्चर बेसिस का मतलब ये होता है कि वो जो टीचर है वो जितने लेक्चर लगाता है, जितनी बार पढ़ाता है, उसका पैसा उसको कॉलेज देता है, और अदर उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर इंजीनियरिंग में इंडिया में 2 सेमेस्टर में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया जाता है। 1 सेमेस्टर जो है 6 महीने का होता है, लेकिन कॉलेज उसको 4 महीने में खत्म करता है। तो जो टीचर आता है उसको 4 महीने का 1 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद कॉलेज से निकाल दिया जाता है, या फिर कॉलेज से टीचर चला जाता है, क्योंकि टीचर के पास कोई भी काम नहीं होता है। उसके बाद टीचर ने 4 महीने तक राहुल को पढ़ाया, फिर से दूसरा टीचर हर सेमेस्टर में बदलता रहता है, नए नए टीचर आते रहते हैं। राहुल लगातार पढ़ता जा रहा है। 6वां सेमेस्टर आ जाता है, क्योंकि राहुल के पास बहुत ज्यादा स्किल नहीं होती है। प्लेसमेंट कंपनी आती है कुछ, लेकिन वो राहुल को प्लेसमेंट नहीं देती है। राहुल फिर से पढ़ रहा है। राहुल के 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। राहुल को लल्लू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज से एक डिग्री मिल गई है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री है। राहुल बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि राहुल को एक डिग्री मिल गई है।
दोस्तों राहुल की फैमिली के अंदर राहुल की मम्मा है, राहुल की डैडी है, राहुल की दादी है, दादाजी है और राहुल की एक छोटी बहन है जिसको राहुल के ऊपर जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारियां टिकी हुई है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। राहुल की जो फीस है वो किसी SBI के एक बैंक से लोन लेके दी गई है। अब दोस्तों राहुल 24 साल का हो चुका है, 24 ईयर्स ओल्ड। राहुल के परिवार वाले राहुल को बोलते हैं कि बेटा आगे क्या करेगा। राहुल देखता है कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं कि आपको बहुत सारी जॉब्स दी जाएगी। और राहुल क्या करता है, राहुल रेलवे की तैयारी करने लगता है। राहुल ने लगातार रेलवे की 2 साल तक तैयारी की, जिसके अंदर राहुल ने बहुत सारी कोचिंग के अंदर बहुत ही कम फीस के अंदर 2 साल तैयारी कर दी, लेकिन राहुल की रिजल्ट ही नहीं आया। राहुल ने जिस एग्जाम का रिजल्ट दिया, जिसका एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया ही नहीं। राहुल को अब 3 साल हो चुके हैं, राहुल अब 27 साल का हो चुका है दोस्तों, लेकिन राहुल के पास कोई भी रोजगार अभी तक नहीं है। राहुल ने 20 साल की एज के अंदर इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था, लेकिन अब राहुल 7 साल लगा चुका है पढ़ाई में, राहुल ने एक भी पैसा अभी तक नहीं कमाया है। राहुल सारे के सारे खर्चे अपने परिवार के दम पे चला रहे हैं, उसके घर वाले अभी तक उसको खिला रहे हैं, 7 साल तक उसको पढ़ा दिया, 4 साल की इंजीनियरिंग, 3 साल की गवर्नमेंट की तैयारी। अब राहुल की दादी बोलती है कि बेटा मेरे बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, क्या कब मैं अपनी बहू का मुंह देखूंगी। तो उसके घर वाले तैयारियां शुरू कर देते हैं रिश्ते की, कि अब राहुल की शादी कर देते हैं, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। जब लड़का 20 से 25 साल का हो जाता है तो घर वाले तैयारियां शुरू कर देते हैं कि अब राहुल की शादी कर देते हैं। तो दोस्तों राहुल की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, राहुल के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन राहुल का 6 महीने तक कोई भी रिश्ता नहीं मिलता है, क्योंकि रिश्तेदारों को एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए होता है, लेकिन राहुल के पास अभी भी कोई भी नौकरी नहीं है। राहुल इन सब फ्रस्ट्रेशंस की वजह से परेशान होके, क्योंकि राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, राहुल एक रात को सुसाइड कर लेता है। और राहुल की सारी परिवार की जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ राहुल पे टिकी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि राहुल की एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी राहुल को करनी थी। अब राहुल के परिवार की जिम्मेदारियां इसके कंधे पर आई। ये थी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की कहानी, जो कि एक रियल कहानी है यूपी से। अब इसमें आखिरकार किसकी गलती थी, क्या राहुल ने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके कोई गलती कर दी थी, क्या गवर्नमेंट कॉलेज वालों की गलती थी, क्या राहुल ने पढ़ाई नहीं की, क्या 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया था, क्या सारा सीन। दोस्तों जब राहुल जब पढ़ाई कर रहा था तो राहुल के कॉलेज में यह हुआ करता था कि राहुल के कॉलेज वाले उसको बोलते थे कि आपको 75% का क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि आपको 75% क्राइटेरिया आना पड़ेगा कॉलेज में। लेकिन राहुल 4 सेमेस्टर तक तो कॉलेज में ठीक ठाक तक जाता है, लेकिन उसके बाद राहुल कॉलेज में जाना बहुत ही कम कर देता है, या तो हॉस्टल में बैठा रहता है या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? पहला इसका मेन कारण है कि राहुल एक मैकेनिकल इंजीनियर था, उसकी क्लास में कोई भी लड़कियां नहीं थी, जिसके कारण राहुल का किसी के साथ इंट्रैक्शन या फिर इंटरेस्ट भी नहीं होता था कॉलेज में, इसके कारण राहुल कॉलेज में बहुत ही कम रुचि दिखाता था। इसके बाद दूसरा कारण ये था कि राहुल के जो प्रोफेसर थे, जो कॉलेज में जो पढ़ाने वाले थे, वो बहुत ही ज़्यादा न्यू थे, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं पढ़ाई का। दोस्तों राहुल के जो प्रोफेसर आते थे वो अपने साथ एक बुक रखते थे, बुक के अंदर पढ़ाते थे, हेलो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ने वाले हैं, वो राहुल के जो टीचर थे वो ऐसे पढ़ाते थे, इसके कारण बच्चों का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता गया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये आता है कि राहुल के कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा लैब नहीं थे, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। राहुल के कॉलेज के अंदर कोई भी अच्छी टेक्निक IT जो स्पेशली होने चाहिए डिवाइसेस, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी CPT नहीं थी, कोई भी CNT मशीनें नहीं थी, जिसके कारण राहुल अपना भविष्य देख सके। इसके कारण जो न्यूमेरिकल होते हैं, CNT होती है, ऐसी कोई भी मशीनें नल्लूला इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर नहीं थी, जिसके कारण राहुल का कोई भी इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं था। इसके बाद आता है फोर्थ ऑप्शन, वो ये आता है कि राहुल जब
फोर्थ सेम के अंदर उसकी 75 अटेंडेंस थी, तो लास्ट के अंदर राहुल की जो फॉर्म होता है उसके अंदर एचओडी वगैरह साइन कर देते हैं और राहुल को बोलते हैं कि आपने 75% क्राइटेरिया तोड़ा है, आप सिर्फ 5,000 रुपए पे कर दीजिए हमें। और राहुल सिर्फ 5,000 रुपए पे करके अपनी अटेंडेंस फुल करा लेता है और राहुल सेमेस्टर एग्जाम में बैठ जाता है और राहुल को एक लल्लू लाल इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री मिल जाती है। तो आखिरकार ये कैसे? दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेजों की आज की अगर बात की जाए तो आज गवर्नमेंट कॉलेजों के हालात बड़े ही खराब है। हालांकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, उनके पास उनकी फीस कम होती है, लेकिन ऐसा अब लगातार बदलता जा रहा है। हालांकि एक अकॉर्डिंग आपको एक नोटिस के बता दें कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, इनफैक्ट आईआईटीज के अंदर भी आज हजारों सीटें खाली पड़ी है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 6,000 के आसपास प्रोफेसर्स की सीटें खाली है। इसके बाद बहुत सारे आईआईएम्स के अंदर 493 के आसपास सीटें खाली है। इसके बाद सन 2017 से विधानसभा में उठा एक सवाल कि बहुत सारे आईआईटीज NITs गवर्नमेंट कॉलेजों में सीटें खाली है, तो लोकल कॉलेजेज है उनका तो क्या हाल हो रहा होगा, ये एक कड़वा सच है। इसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं उनका ये मानना होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टीचर तो लेकर नहीं आ रही है, तो जो डायरेक्टर होते हैं या फिर वाइस चांसलर होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है, हम एक सस्ता प्रोफेसर हायर करते हैं लेक्चर बेसिस पे, सिर्फ 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए प्रोफेसर को हायर किया जाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। इनफैक्ट प्रोफेसर सिर्फ वही बच्चे बनते हैं जो कि 3 साल की प्रिपरेशन इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट एंट्रेंस की करते हैं, अगर उनकी जॉब नहीं लगती है तो वो फिर से बच्चों को प्रिपेयर कराना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक गवर्नमेंट कॉलेज की कहानी। इसके बाद ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती, राहुल के जो दोस्त होते हैं उनकी भी जॉब नहीं लगती है। राहुल के दोस्त क्या करते हैं? राहुल के दोस्त करते हैं प्लेसमेंट कंपनीज के पास जाते हैं, प्लेसमेंट कंपनीज उनको कोर्सेज भेजती हैं, उनको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देती है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ के आए हो, आप हमारे कोर्सेज लो, आप टॉप कंपनीज के अंदर कोडर बन जाओगे, आपका अगर मैकेनिकल इंजीनियर है आप हमारे 6 महीने का 1,00,000 रुपये का 2,00,000 रुपये का कोर्स कर लो, आप अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अडोबी, जीसॉक जैसी कंपनियों के अंदर जो पालोगे। ये है गवर्नमेंट कॉलेजों की रियलिटी। आखिरकार 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद वो जो कॉलेजेज हैं, वो जो प्लेसमेंट कंपनीज हैं, वो जो एडटेक कंपनीज हैं, वो जो है बच्चों को कोर्सेज बेच के एडमिशन करवा रही है, वो जो है टॉप कंपनीज के अंदर जॉब दिलवा रही है। हालांकि बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन में पहुँच चुकी है, जो कि इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे वहाँ से कोर्सेज करके जॉब ले रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजों से इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या निकल रहा है? कैसे? आपके दिन में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमने एक वीडियो बनाया है आईआईटीज के ऊपर, जहां पे हमने बताया है कि आईआईटीज कैसे इनसे डिफरेंट है, आईआईटीज क्या अलग कर रहा है, आईआईटीज के अंदर क्या होता है, लल्लू लाल कॉलेजों में क्या होता है। थैंक यू सो मच। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।